रूसी सेना ने कई साल से बंद पड़े चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। ये पावर प्लांट उत्तरी यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल में और प्रिप्याट शहर के पास स्थित है। 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया के सबसे भीषण परमाणु आपदा का गवाह बना था। ये भयानक परमाणु हादसा चेर्नोबिल और प्रिप्याट दोनों शहरों से लाखों लोगों के पलायन की वजह बना था। इस हादसे में मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या अब भी पता नहीं है। चलिए जाने कि आखिर रूस ने क्यों किया चेर्नोबिल पर कब्जा। 1986 में चेर्नोबिल में सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ कैसे था, यह कितना गंभीर था और कितने लोग इसकी चपेट में आए थे। 5 पॉइंट में समझे रूस ने क्यों किया बंद न्यूक्लियर पावर प्लांट कब्जा। 1. उत्तरी यूक्रेन स्थित चेर्नोबिल शहर बेलारूस से यूक्रेन की सीमा से महज 10 मील दूर है। बेलारूस रूस का एक प्रमुख सहयोगी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने चेर्नोबिल पर इसलिए कब्जा किया क्योंकि यह यूक्रेनी सेनाओं पर आक्रमण का सबसे तेज जमीनी मार्ग है। 2. चेर्नोबिल को एक आसान टारगेट के रूप में देखा गया था क्योंकि यह सीमा के बेहद करीब स्थित है। साथ ही परमाणु हादसे की वजह से इस पूरे क्षेत्र के आसपास 2600 किलोमीटर का एक्सक्लूजोन या बहिष्करण जोन है। एक्सक्लूजोन जोन होने की वजह से यहां यूक्रेन के बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर वाले इलाकों की तुलना में सुरक्षा बहुत हल्की है। 3. अमेरिकी सेना के एक पूर्व प्रमुख जैक कीन का कहना है कि चेर्नोबिल का कोई सैन्य महत्व नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे यूक्रेन की सरकार को गिराने के लिए रूस की रणनीति के लिए बेहद अहम बनाती है। 4. विशेषज्ञों का मानना है कि चेर्नोबिल उन 4 रास्तों में से एक है जिसका इस्तेमाल रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए किया है। अन्य 3 रास्तों में से एक बेलारूस से निकलता है, यूक्रेनी शहर खार्किव में एक एडवांस दक्षिणी रास्ता है और तीसरा रूस नियंत्रित क्रीमिया से खेरसोन शहर की ओर उत्तर की तरफ से है। 5. यूक्रेन की राजधानी कीव से करीबी की वजह से भी चेर्नोबिल पर रूस ने तुरंत कब्जा किया। यह शहर यूक्रेन की राजधानी से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद तो क्यों है परमाणु हादसे का खतरा? एक टरबाइन टेस्ट दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हादसे का कारण बना धमाका इतना जबरदस्त था कि रिएक्टर की छत उड़ गई। आग पर काबू पाने में 9 दिन लग गए थे। सोवियत संघ ने हादसे को छिपाने की कोशिश की थी। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना अधिक था रेडिएशन। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हादसे के बाद जो रेडिएशन निकला वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना अधिक था। अधिकतर मलबा चेर्नोबिल के आसपास के इलाकों में गिरा, जैसे यूक्रेन, बेलारूस और रूस। हवा के साथ ये रेडिएशन उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गया। रेडिएशन फैलने से 50 लाख लोग चपेट में आए। 30 किलोमीटर का क्षेत्र 20,000 साल के लिए असुरक्षित बन गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रेडियोधर्मी कचरे का होना अब भी खतरनाक है। इसने इस पूरे क्षेत्र को इंसानों के रहने के लिहाज से 20,000 सालों के लिए असुरक्षित कर दिया है। 30 साल बाद बनाया गया सुरक्षित ढांचा रूस ने इसलिए चेर्नोबिल को सबसे पहले कब्जे में लिया।